फ्रेंड्स करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए लिया हमने एक स्विच बोर्ड जिसमें लगा रखा है एक 5 पिन सॉकेट, वन वे स्विच और एक इंडिकेटर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको दो वायर देखने को मिलेगी जो कि है इंडिकेटर की, एक इनपुट फेज के लिए और एक इनपुट न्यूट्रल के लिए। और इसके साथ में हम लेंगे एक रिले। ये जो रिले आपको दिख रही है इसमें टोटल 5 पिन आपको देखने को मिलेंगी। 5 पिन वाली रिले है ये, 3 पिन एक साइड में ये देखिए आप, और 2 पिन एक साइड में। इसमें पहले हम ये 5 पिन में वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्विच बोर्ड में आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने रिले की 5 पिन में वायर कनेक्ट कर ली है। ये इस साइड में 3 पिन है जिसमें से 3 वायर कनेक्ट की है, ब्लैक, रेड और रेड कलर की। इधर 2 पिन है, 2 वायर कनेक्ट किए, रेड रेड। हम पहले ये जो रेड कलर की वायर है जो सेंटर वाली पिन पे कनेक्ट है, इसको कनेक्ट करेंगे हम स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे और इसमें फ्रेंड्स पानी में कोई करंट नहीं आएगा, यानी कि कोई खतरा नहीं इसको ऐसे अगर आप बना के लगाते हो तो। एक बिल्कुल सेफ है ये, हम आपको दिखाएंगे पानी में हाथ भी डुबा के। और अब फ्रेंड्स हम ये वाली जो वायर है इसको कनेक्ट करेंगे 5 पिन सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे। इधर फेज वाला है, इधर न्यूट्रल और ये ग्राउंड अर्थ वाला है। फेज वाले टर्मिनल पे ये वाली वायर को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये ऐसे वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। और अब फ्रेंड्स हम ये इधर इंडिकेटर है, इंडिकेटर की एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स हमने दो साइड में जो 2 पिन है इसमें से एक में हमने हैवी वायर को कनेक्ट किया, यानी कि मोटी वायर है, और एक है पतली। ये पतले वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे इंडिकेटर की ये वाली वायर के साथ। एक हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया यानी कि 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे, और एक इस वायर के साथ इसमें को कनेक्ट करेंगे। और इसको बाद में टेप से कवर कर देंगे। ये हमने इंडिकेटर की वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब रह गई 2 वायर, ये वाली एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर जो कि आएगी हमारी वाटर टैंक से स्विच बोर्ड के पास। जहां भी आपका वाटर टैंक है वहां से डाल करके लेके आइए वायर को, और स्विच बोर्ड के पास ला करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टंकी में जो वायर रहेगी टंकी के पास में, वहां पे आपको एक 2 पिन टॉप ले लेना है ऐसा। इसको खोल लीजिए, इसको खोलेंगे और ये जो इसका कैनोपी है, कवर है, इसकी हमको जरूरत नहीं, इसको हम साइड कर देंगे। हमको ये टर्मिनल चाहिए इसके। ये 2 वायर है, एक रेड है और एक ब्लैक कलर की वायर है। हमने एक वायर को एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, ये ब्लैक वाली वायर को हम यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं। और रेड वायर को ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब आप इसको ओवरहेड टैंक में लगाओ या फिर अंडरग्राउंड टैंक में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज कहां करना है। अब ये हमारी होगी प्रोब, प्रोब बनकर रेडी हो गई। अब ये आपको अंडरग्राउंड टैंक में या फिर ओवरहेड टैंक पे जहां भी लगानी है वहां इसको लटका के छोड़ दीजिए, झुला करके जहां तक आपको पानी का लेवल रखना है। जैसे इसको पानी टच करेगा ऑटोमेटिकली मोटर को ये बंद कर देगा।
अब इसमें फ्रेंड्स स्विच बोर्ड में कैसे कनेक्शन करने हैं, स्विच बोर्ड में हमने इसका जो इसके अंदर से इसको वायर को डाल लेते हैं अंदर में और इसको पहले गांठ लगा लेते हैं ताकि वायर खींचे ना। अब फ्रेंड्स आप देखोगे जो ब्लैक कलर की वायर है ये रिले के ऊपर हमने कनेक्ट की थी, ब्लैक वायर को इसकी रेड वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। जो हमने वायर डाली है टंकी से वायर डाल करके लेके आए हैं जो प्रोब वाली, इसको ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको भी बाद में हम टेप से कवर कर देंगे। ये हो गई। अब इसमें से दो वायर शेष रह गई है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक रेड वायर जो कि लगी है रिले के टर्मिनल पे और एक ये प्रोब वाली। अब फ्रेंड्स हम करेंगे इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट। इनपुट फेज के लिए हम करेंगे रेड कलर की वायर का यूज और इनपुट न्यूट्रल के लिए हम करेंगे ब्लू कलर की वायर का यूज। इसको हम बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स मोटर ऑन ऑफ करने का झंझट खत्म हो जाएगा आपका, ऑफ कर सकते हो, ऑन करने का झंझट खत्म है, मतलब ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑन ऑन करना आपको। अब इनपुट फेज वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे ये स्विच के इनपुट टर्मिनल पे, यहां पे कनेक्ट करेंगे इसको। और इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पे जहां हमने इंडिकेटर की वायर को कनेक्ट किया हुआ है, यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये इसमें इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर हमने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। और अब फ्रेंड्स हमको लेना है एक 12 वोल्ट का SMPS, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, जिसमें से ये 12 वोल्ट आउटपुट है और ये 220 वोल्ट इनपुट है। अब आपको क्या करना है, इसको स्विच बोर्ड के अंदर ही लगा देना है, ऐसे अंदर में आप इसको लगा देंगे ऐसे, और इसको पावर देनी है आपको स्विच बोर्ड से। पहले हम इसकी इनपुट पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे SMPS की। ये जो रेड कलर की दो वायर है ये इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली है, और ये ब्लैक और रेड कलर की है ये है 12 वोल्ट DC आउटपुट। हम आउटपुट को छोड़ देंगे, पहले इनपुट कनेक्ट करेंगे। अभी हम इसमें पहले इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। SMPS की ये इनपुट न्यूट्रल वाली वायर है, इसको कनेक्ट करेंगे यहां पे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि न्यूट्रल यहां आया है। और जो ये रिले है ये 12 वोल्ट की रिले है, इसमें हमको ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट का ही इस्तेमाल करना है। या आप जब भी लोगे 12 वोल्ट की रिले लेनी है 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर तक का करंट ले लेगी, आपका टुल्लू पंप का आराम से करंट ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खराब नहीं होगी। ये इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर दिया और अब हम इनपुट फेज वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज हम ले लेंगे इसमें से, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, ये ब्लैक वायर 12 वोल्ट की है, स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे फेज वाली वायर को कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई की SMPS की। ये हमने SMPS में इनपुट फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, यहां से न्यूट्रल चला गया और यहां से फेज। और अब फ्रेंड्स हम इसमें 12 वोल्ट कैसे कनेक्ट करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये रेड कलर की वायर है, इसमें SMPS की रेड वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे यहां पे
इसको कनेक्ट किया हमने यहाँ पे, और ब्लैक कलर की जो वायर है इसको कनेक्ट करेंगे हम ये प्रोब वाली वायर के साथ में। ये आप देख लीजिए, ये प्रोब की जो ब्लैक कलर की वायर है इसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया सीरीज में, यानी कि ये रिले सीरीज में है अभी पावर सप्लाई के। ये ऑपरेट होगी जब भी प्रोब पानी के साथ टच होगी तभी, और पानी में कोई करंट आने वाला नहीं है। आप इसके कनेक्शन देख लीजिए, जैसे हमने किए ये प्रोब होगी और ये इनपुट पावर सप्लाई है एसएमपीएस की। पहले हम इसमें टेप लगा देते हैं अभी सभी में जो हमने ओपन छोड़े हुए, ये वाले में टेप लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने टेप को लगा लिया है, देख लीजिए सभी वायर पे हमने टेप को लगाया है, और जैसे हमने वायरिंग की थी वैसे वायरिंग है आप देख सकते हो। इसको अच्छे से लगा करके आप इसको इस बॉक्स के अंदर जमा दीजिए, और जब भी आप बॉक्स को यूज करोगे वो एमएस का नहीं होना चाहिए, पीवीसी बॉक्स हो या फिर लकड़ी का हो, आपको ये ध्यान रखना है। दो ही चीज का बॉक्स हो, पीवीसी हो या फिर लकड़ी का बॉक्स को आपको यूज करना है, और इसमें करंट लगने का कोई खतरा नहीं क्योंकि 12 वोल्ट डीसी पे काम करेगा और आपका जो पंप है वो चलेगा 220 वोल्ट से। अब इसको हम आराम से बैठा लेते हैं इसके अंदर में। और अगर आप एमएस में यूज करते हैं, हम बता देते हैं, आप इसको अच्छे से टेप से कवर कर दीजिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है, या 220 वोल्ट भी है और 12 वोल्ट भी, दोनों पावर सप्लाई यहाँ पे है इसलिए आपको इसको कवर करना पड़ेगा। अगर आप पीवीसी में यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको काम करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसको खोल के इसमें कोई भी काम करते हो तब। अब इसको हम बंद कर लेते हैं बॉक्स को। थोड़ा सेफ्टी से बंद करना होगा हमको, ये बिल्कुल सेफ है, यानी कि इसमें आपका पानी में कोई करंट आने वाला नहीं है। आप बाद में कमेंट करते हो कि इसमें करंट आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम आपको इसकी पावर ऑन करके दिखाते हैं, उसको छू करके भी दिखाएंगे। ये देखिए हमने पावर इसकी ऑन कर दी है, अभी स्विच ऑन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ एक इंडिकेटर जल रहा है, ये जो एसएमपीएस है उसका इंडिकेटर यहाँ ग्लो करते हुए आपको दिखाई देगा। अब जो इसकी प्रोब है इसको टच कर रही है, देखिए इसमें कोई करंट नहीं है, आप देख लीजिए। और अब ये कैसे काम करेगी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आपका वाटर टैंक भर जाएगा और मोटर ऑफ होगी तब ये इंडिकेटर ग्लो करेगा, उससे पहले इंडिकेटर आपको ग्लो करते नहीं दिखाई देगा। हम वाटर टैंक की जगह एक पानी का ग्लास ले लेते हैं, ये देखिए चीनी मिट्टी का ग्लास है न कि कोई एमएस का, और इसमें पानी है आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। और जैसे टच करेंगे ये देखिए इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, यानी कि हमारी वाटर टैंक भर चुका है। ये यहाँ इंडिकेट करते रहेगा, भरते ही ऑन हो जाएगा इंडिकेटर, और जैसे ही ऑफ पानी का लेवल कम होगा तो ये बंद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम मोटर की जगह एक बल्ब का यूज करते हैं, जो कि आपको दिखाने के लिए हम बल्ब होल्डर लगा देते हैं यहाँ पे। इसकी स्विच को ऑफ कर लेते पहले, या हमने बल्ब को लगाया और अब इसकी पावर हम ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन हो चुकी है और अभी ये देखिए ये अभी चल रही है मोटर, ये थोड़ा हिल जा रहा है, इसको अच्छे से लगा लेते हैं फ्रेंड्स ताकि ये हिले ना। ये देखिए अभी मोटर चल रही है, और जैसे हम इसको पानी के अंदर डुबाते हैं तो ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अगर आपके यहाँ टुल्लू पंप लगा है तो टुल्लू पंप बंद हो जाएगा। जो इसमें रिले यूज किया है वो 10 एम्पियर तक का करंट ले सकती है, और देखिए बाहर निकालते ही ऑन ऑफ इधर इंडिकेट कर रहा है, या आप इधर भी देखिए इंडिकेट कर रहा है। अभी मोटर ऑफ है, यानी कि पानी की टंकी भरी हुई है, इंडिकेट भी कर रहा है और मोटर भी ऑफ है। जैसे ही लेवल कम होगा ये देखिए पानी, मोटर स्टार्ट और इंडिकेटर अभी ऑफ है, यानी कि मोटर चल रही है। अब इसमें हम आपको जैसे ये डूबा हुआ है अभी हम इसमें आपको उंगली डुबा के दिखा देते हैं और इसको अच्छे से टच भी करवा के दिखाते हैं। अभी मोटर चल रही है लेकिन पावर है इसमें और इसको टच कर रखा है, आप देख लीजिए हमको कोई करंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल सेफ है ये, आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि 12 वोल्ट इसमें यूज किया, 12 वोल्ट डीसी से हमको
शॉक नहीं लगता है, ये देख लीजिए। जैसे ही टंकी खाली होगी मोटर स्टार्ट कर हो जाएगी और जैसे लेवल तक जिस तक ये प्रोब को आप रखोगे वहां आते ही ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। तो ये थी फ्रेंड्स वायरिंग। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।